पंडित जी, आपके परिवार में 7 दिसंबर को जो बच्चा आया है वो मुसलमान है? So well friends, इंडियन बॉक्स ऑफिस को इस साल ऑलरेडी एक बड़ी सुपरहिट फिल्म दे चुके विक्की कौशल अपने एक और मिड बजट फैमिली ड्रामा फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली लेकर आ चुके हैं, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी ये फिल्म आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की एक बड़ी फिल्म को पीछे करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज अपने पहले ही दिन एक शानदार ओपनिंग ले रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों विक्की कौशल और मानुषी चिल्लर की फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली के फर्स्ट डे इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धूम, धूम 3 और कई सारी बेहतरीन फिल्में बना चुके विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्शन में बनने वाली एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है द ग्रेट इंडियन फैमिली, जिसे कि यशराज जैसे बड़े बैनर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको इस साल सुपरहिट फिल्म जरा हटके जरा बचके दे चुके विक्की कौशल, मानुषी चिल्लर, मनोज पाहवा और कुमुद मिश्रा जैसे बेहतरीन कास्ट नजर आने वाली है। और दोस्तों, इस फिल्म का बजट काफी कम है। बताते चले दोस्तों आपको कि आज इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 1000 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया है। और दोस्तों, इस फिल्म के सामने जवान जैसी बड़ी फिल्म है, लेकिन दोस्तों बावजूद इसके द ग्रेट इंडियन फैमिली ने अपनी रिलीज से पहले एडवांस में लगभग 10,000 से 12,000 टिकट ऑलरेडी सेल कर दिए थे, जो कि एक तरह से इस मीडियम बजट फिल्म के लिए काफी अच्छा रिस्पांस है। हालांकि दोस्तों, इस फिल्म का प्रमोशन कुछ खास हुआ नहीं है। भजन कुमार जो इस फिल्म का सॉन्ग है वो ऑडियंस को पसंद आया है, और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 12 से 15% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है, तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग की जो इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है उसमें काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जरा हटके जरा बचके ही की तरह इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रही हैं, और यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 2,90,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज अपने पहले दिन 4 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि द ग्रेट इंडियन फैमिली को ऑडियंस की तरफ से तो अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्रिटिक्स के रिव्यूज अभी भी इस फिल्म के आना बाकी है। और अगर दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी अच्छी रेटिंग्स मिलती है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक और सुपरहिट फिल्म विक्की कौशल के लिए साबित होगी। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।